हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेपाल को क्यों नहीं जीत पाए थे मुगल? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ। उस दौरान भारत में मुगल साम्राज्य का बहुत अधिक दबदबा था। इसके बाद मुगल सल्तनत औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बढ़ी। उस समय मुगल सेना बेहद ताकतवर मानी जाती थी। इस दौरान काबुल हो या कावेरी घाटी और गुजरात या बंगाल, हर जगह मुगल का वर्चस्व कायम था। लेकिन इन सबसे अलग एक ऐसा इलाका था जहां हमला करने के बारे में मुगलों के भीतर कभी साहस पैदा नहीं हो सका। ये खास क्षेत्र नेपाल था, जिस पर कब्जा करने की मुगलों ने कभी कोशिश नहीं की। इतिहासकारों के मुताबिक दो वजहों के कारण मुगल नेपाल के राजा से डरते थे। सबसे बड़ी वजह थी प्राकृतिक तौर पर इसका ताकतवर होना। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह गोरखा राजवंश और गोरखा लोगों की बहादुरी थी, जिससे मुगल परिचित थे। इन्हीं दो वजहों से नेपाल हमेशा ही एक आज़ाद देश रहा। चाहे वो मुगल हो या अंग्रेज, नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं बना।